सत्यभौमत हम बोलते हैं मतदाताओं के बहुमत को, सांसदों के बहुमत को हम सत्यभौमत नहीं बोलते। और सत्ता और विपक्ष, पक्ष और विपक्ष का आपस का जो मतभेद की लड़ाई है वो नहीं होगी। देश हमारा, मणिपुर हमारा, ये नारा गूंज रहा है। मेरे साथ इस समय सत्य बहुमत के संस्थापक सत्यदेव चौधरी जी हैं, जो सत्य बहुमत की राजनीति को लेकर लंबे समय से संघर्षरत हैं और समाधान भी सत्य बहुमत की राजनीति में है। मेरे पास एक ये बैंड पोस्टर है, इस पर पूरी सत्य बहुमत के बारे में लिखा गया है, हम इस पर जानकारी प्राप्त करते हैं। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपने लिखा देश हमारा, मणिपुर हमारा, ये जो आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से आप कर रहे हैं, सत्य बहुमत की राजनीति ये कहती है कि सरकार में 100% मतदाताओं के प्रतिनिधित्व का आश्वासन देती है सत्य बहुमत की राजनीति, चाहे मतदाता सत्ता पक्ष को मतदान करे या विपक्ष को। देखिए, सबसे पहले तो सत्य बहुमत को समझिए जनाब। तो जो सत्य बहुमत है, सत्य बहुमत हम बोलते हैं मतदाताओं के बहुमत को, सांसदों के बहुमत को हम सत्य बहुमत नहीं बोलते। और अब जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाएंगे वो बहुमत से सरकार बनाएगा। अब जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले उसने तो सरकार बना ली, वो सत्ता में आ गए। और जो दूसरी पार्टी को, जिसको आपसे कम वोट मिले, वो सत्ता में नहीं आ पाए, लेकिन जो सत्ता में आएगा हम उसको, जिनके वोट कम आए हैं उनको भी इस राजनीति के अंदर मिला लेंगे। इस राजनीति के अंदर मिलाने का मतलब ये हुआ कि उस नेता का भी सम्मान होगा, उस नेता के ऊपर भी विश्वास होगा। और सत्ता और विपक्ष, पक्ष और विपक्ष का आपस का जो मतभेद की लड़ाई है वो नहीं होगी। जो जिस योग्य भी वो है, वो उस तरीके की जिम्मेवारी हम उस राजनीतिक व्यवस्था के अंदर उसको देंगे। इसका मतलब यही है। इसी प्रकार जब जो तीसरे नंबर के ऊपर जो राजनीतिक पार्टी होगी, जिसको तीसरे नंबर पर वोट मिले लेकिन वो सत्ता में नहीं आ पाया, उससे भी हम बात करके उसको, जिस जिम्मेवारी से भी वो बात करने के योग्य होंगे या उनकी इच्छा होगी, उस अनुसार हम उसको सरकार के अंदर भागीदार बनाएंगे। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं, जैसा आपने लिखा है देश हमारा, मणिपुर हमारा, सत्य बहुमत होता तो मणिपुर जैसी घटना नहीं होती। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में हमने घूमा देखा, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बेहद आवश्यकता, और आपके इस विचार को अपार समर्थन मिल रहा है। कैसे आप भरोसा देंगे हिंदू मुसलमान एकता को, भाईचारे को? देखिए, मैं पूरे देश के बाउंड्री को और उसके पूरे सारे नागरिकों को मैं एक मानता हूँ, उनके सबकी एकता और अखंडता में विश्वास रखता हूँ। सबको समान रूप से न्याय मिले, उनको सुरक्षा मिले, शिक्षा मिले, स्वस्थ मिले, ये हर एक नागरिक को मिलना चाहिए। कोई भेदभाव पक्षपात नहीं होना चाहिए। जहाँ जिस राजनीतिक व्यवस्था में भेदभाव पक्षपात होता है, वो राजनीतिक व्यवस्था का हम खंडन करते हैं और विरोध करते हैं, जो कि आज की राजनीति है। अब बात यह रही कि इसमें न्याय मिले कैसे। न्याय जब ही मिलेगा जब आप मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनाएंगे, तब नेता को सब लोगों के वोटों की आवश्यकता पड़ेगी। सभी लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, और या चाहे किसी भी जाति धर्म का होगा, उसको वोट लेना पड़ेगा, तभी उसका बहुमत बनेगा। तो जब तक ये सारे के सारी व्यवस्था बहुमत के ऊपर आधारित, मतदाताओं के बहुमत से नहीं बनेगी, तब तक ये समस्या का समाधान होना संभव नहीं है, ये मेरा मानना है। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं से क्या अपील आप करेंगे? चांदनी चौक के मतदाता, देखिए, एक चांदनी चौक में सत्य बहुमत और सत्य बहुमत के उम्मीदवार को, सत्य बहुमत पार्टी के उम्मीदवार को जितवा कर पूरे देश में देख लेना कि कैसे इस भ्रष्ट राजनीति में हड़कंप मचता है।
मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूं कि आज तक आपने जो भी आइए बैठिए सत्या बहुमत को जितवा कर आप देख लीजिए कि किस तरह से इस भ्रष्ट राजनीति में हड़कंप मचता है, पूरे देश की राजनीति बदल जाएगी। अगर चांदनी चौक एक सीट जीत जाएगा तो उदाहरण बन जाएगा और वो राजनीति बदल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सत्यदेव चौधरी जी जो दावा कर रहे थे, और उनका कहना है कि सत्य बहुमत की राजनीति अगर स्थापित होती है न केवल चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र की बल्कि देश की भी राजनीति बदल जाएगी।